आईएएस नियाज खान मध्य प्रदेश के सीनियर प्रशासनिक अधिकारी हैं। नियाज खान का मजहब इस्लाम है, लेकिन उन्हें ब्राह्मणों से बहुत प्रेम है। इतना प्रेम कि नियाज खान ने एक किताब लिख दी है जिसका नाम है ब्राह्मण द ग्रेट। महाकाल की नगरी उज्जैन में इस किताब का विमोचन हुआ। इस किताब के विमोचन में शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी जैसे गणमान्य लोग मौजूद थे। आईएएस अधिकारी नियाज खान ने बताया कि आखिर उन्होंने ब्राह्मणों पर ही किताब क्यों लिखी। बुक ब्राह्मण द ग्रेट ब्राह्मण पे फोकस्ड है, लेकिन इसका मतलब नहीं केवल ब्राह्मण्स की बात हो रही है, बात पूरे देश की हो रही है। लेकिन किताब का गुरुत्व केंद्र या सेंटर भूमिका में ब्राह्मण हैं और किस प्रकार से हजारों साल के इतिहास में ब्राह्मण धुरी थे। अगर हम देखें जाएं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ द हिस्ट्री ऑफ ब्राह्मिन्स, अगर आप ब्राह्मण को माइनस करके देखें तो मुझे लगता है कि इतिहास बनता ही नहीं है। उसमें चाणक्य ले लें, परशुराम जी हैं, दधीची ले लें, सुदामा ले लें, न जाने कितने कितने कवि महान लेखक सब ब्राह्मण रहे हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हम उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन भौतिकवाद के बाद जब चीज़ें बदल गई हैं तो मेरा उद्देश्य वही था कि किस प्रकार से इसको हम रिवाइव करके एक इनका हेरिटेज है, इनके हाई ब्रेन है, हर फील्ड में लगा किस प्रकार से हम पुनः इसको अपने संस्कृति को, सनातन धर्म को और स्ट्रॉन्ग करें, भाईचारा बढ़ाएं, भौतिकवाद से थोड़ा कमी लाएं हम लोग और पर्यावरण की रक्षा करें। इसलिए किताब एक बहुत बड़ा ब्राह्मण फाद साथ देश को मैसेज भी दे रही है, देशभक्ति का मैसेज दे रही है, समाज को बांधने का मैसेज दे रही है, लेकिन एक चीज़ जरूर फोकस कर रही है कि ब्राह्मण को अब केंद्र बिंदु पर लाना बहुत आवश्यक है, जहाँ पे एक बड़ा ब्रेन पोटेंशियल का उपयोग हम करके देश को और शक्तिशाली सुपर पावर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम में पहुंचे शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने भी इस किताब और नियाज खान की तारीफ की और उन्हें आशीर्वाद दिया। भारत की धरा में लेख की महत्ता ने हमेशा गुणों को उजागर किया हुआ है। संगत बड़ी किए बढ़ो जे, अक्षर के संग कागज पूजे, अक्षर के संग कागज पूजे, अक्षर के संग कागज पूजे। अक्षर का संग होता है तो कागज पूजित होता है, और जब वशिष्ठ विशिष्ट महानुभावों का, जिनका कोई अपना एक बड़प्पन होता है, उनके साथ कोई श्रेष्ठता को प्राप्त करता है तो निश्चित बड़ा पाता है, और कोई लघुता को भी प्राप्त करता है, सृष्टि का ही अपना स्वभाव और प्रभाव है। तो बड़प्पन और लघुता इस धरती पर अनादिकाल से। आईएएस नियाज खान ने बताया कि उज्जैन धार्मिक और पवित्र नगरी है, इसलिए अपनी किताब के विमोचन के लिए उन्होंने उज्जैन का चयन किया। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने भी इस किताब की काफी तारीफ की। ब्राह्मण समाज बहुत हर्षित है कि इस धर्म की नगरी में, इस आध्यात्म की नगरी में हम सबको यह सौभाग्य और ब्राह्मण समाज को इस आयोजन का करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन आपने देखा कि इस विमोचन के कार्यक्रम में पूरा सामाजिक समरसता के अनुसार हमारे मुस्लिम धर्म के लोग, कायस्थ महासभा के लोग, क्षत्रिय महासभा के लोग, वैश्य महासभा के लोग, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के और बल्कि आदिवासी समाज के भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित होकर इस विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया है। यह पुस्तक मैं समझता हूँ कि देश की दिशा को नई दिशा देने के लिए सबल होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं इस अवसर पर उज्जैन की जनता की ओर से नियाज खान साहब का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बता दें, नियाज खान मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के आला अधिकारी हैं। उन्होंने लंबे शोध के बाद यह किताब लिखी है जो अब बाजार में मौजूद है। किताब का नाम है ब्राह्मण द ग्रेट। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।